नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हमारी मेहमान है माणी माधव जी। हम बातचीत कर रहे हैं ओडिसी नृत्य शैली पर। पहले हिस्से में इस इंटरव्यू के हमने उनके नृत्य सफर पर बातचीत की, इस हिस्से में बात करेंगे इस डांस फॉर्म पर। इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में वाणी जी, चूंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स कह लें या ये भी कह लें कि रागगिरी का जो मकसद रहा शुरू से पिछले कई वर्षों से, वो यही रहा कि हम डांस फॉर्म के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करें। तो एक ओडिसी नृत्यांगना, आपके जैसे वरिष्ठ नृत्यांगना जो 30 साल से कम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, शुरू तो 5-6 साल की उम्र से आपने कर दिया था। ओडिसी नृत्य क्या है, मतलब अगर एक आम आदमी को समझाना हो तो ये तो बताया जा सकता है कि भाई भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से एक नृत्य ओडिसी भी है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर आप उसको और क्या समझाएंगी? ओडिसी नृत्य, अगर मैं कहूंगी, एक डिवाइन डांस है। अगर आप चाहोगे बोलोगे कि बहुत सारे डांस है, ओडिसी का क्या स्पेशलिटी है, तो ये डिवाइन डांस है। दूसरा, आप अट्रैक्ट लोगों को कैसे करोगे, इसकी जो कॉस्ट्यूम है, ज्वेलरी और इसकी जो आहार्य पार्ट जिसे कहते हैं ज्वेलरी, ये उसके अलावा इसका जो पोस्टर्स होते हैं भंगिमास, ये एक यूनिक डांस फॉर्म इसे कहलाते हैं कि इसका पोस्टर्स और इसके फेशियल एक्सप्रेशंस ये सारे एक यूनिक हो जाते हैं। तो आपको अगर बोलना है ओडिसी नृत्य क्या है एक आम आदमी को, तो आपको ये बोलना है भाई आप उसको ज्वेलरी देखो, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। इसका जो हेड गियर जिसे हम टाइया कहते हैं अपना डांस टर्म में, तो उसका तो हम यूज करते हो रेप्लिका जो लॉर्ड जगन्नाथ के यहाँ से ही हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे मिला जुला के अगर हम बोलेंगे ओडिसी नृत्य क्या है, तो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव डांस फॉर्म। लेकिन आप जैसे, मतलब जितना मैं देख पाया और जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ओडिसी नृत्य अपने जो समकालीन, मतलब बाकी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके मुकाबले धीमा नृत्य माना जाता है, स्लो माना जाता है, तो ये इसकी वजह क्या है और क्या इससे इसकी जो पॉपुलैरिटी है या इसकी जो लोकप्रियता है या जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है उस पर कोई असर पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता। हम भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उसमें लोक नृत्य का जो है इम्पैक्ट दे। लोक नृत्य होता है जो फोक डांस का जो म्यूजिक होता है वो थोड़ा फास्ट है, तो हालांकि सारे जितने भी क्लासिकल डांसेस है डिराइव्ड फ्रॉम द फोक डांस, लेकिन उड़ी हमेशा इसलिए स्लो रहा है, हमारे जो भजन होते हैं हम ज्यादा वो भाड़िया की गाड़ी को लेके ही हम करते हैं। मंदिर में बजता है फास्ट फास्ट नहीं, एक स्लो भजन है उसे बजता है तो आगे बरकरार रखेगी। अब तक डिमांड स्लो है तो अभी भी हम कोशिश करने लगे इसमें थोड़ा वो लोक जो है पल्ली म्यूजिक कहते हैं जिसे लोक म्यूजिक कहते हैं, फोक म्यूजिक टाइप, ग्रामर तो वही रहेगा जो क्लासिकल का ग्रामर है, थोड़ा हमें उसमें अभी कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा फास्ट म्यूजिक लाके, इतना भी नहीं कर सकते कि जितना बियॉन्ड हमारे ग्रामर बाहर चले जाए, लेकिन हम कोशिश अभी भी लगा रहे हैं, वही उस स्लो को कर रहे हैं टुवर्ड्स द फास्ट म्यूजिक भी हम जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मतलब मैं जितना देख रहा था और एक आध जगह मैंने पढ़ा भी है, आपके इंटरव्यूज में भी सुना है, और चूंकि कथक लोकप्रिय है बहुत नॉर्थ इंडिया में, हम लोग कथक बहुत ज्यादा देखते भी हैं, बहुत सारी चीजें लगभग लगभग एक जैसी हैं। कथक में भी आप भूमि प्रणाम करके ही नृत्य शुरू करते हैं, कथक में भी हाथ की जो मुद्राएं हैं वो लगभग वैसी ही हैं, तो
तो क्या सिमिलरिटीज हैं, सिर्फ कथक से ही है या और डांस फॉर्म्स के साथ भी ऐसा ही होता है? सारे डांस ने आर्ट क्लासिकल फॉर्म्स से हमारे देश के सारे मुद्राएं सिमिलर है, क्योंकि हम सारे मुद्राएं नाट्य शास्त्र जो हम यूज करते हैं अभिनय दर्पण उसमें से ही लेते हैं। तो आठों क्लासिकल डांस फॉर्म्स नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण फॉलो करते हैं, तो मुद्रा हमारे सारे वही होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते। बाकी जो भी कोरियोग्राफी ये अपने अपने ग्रामर के हिसाब से कोरियोग्राफी होती है। अच्छा, जिस तरह से बाकी डांस फॉर्म्स में उसकी जो विषय वस्तु है, यानी आपके डांस का जो विषय है, जो उसमें कुछ 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 एक्सपेरिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, क्या उड़ीसी में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है या अभी उसी तरह के परंपरागत जो विषय थे जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं उसी पर ही काम आगे हो रहा है? नहीं, हमारे सारे पहले हम यही करते थे कि सिर्फ हम डिवाइन डांस म्यूजिक पे करते थे, मतलब भजन भगवान के ऊपर, सारे भगवान के ऊपर। अब हम बहुत चीजें कर चुके हैं, जैसे कि सीजन के ऊपर हो गया, नदी के ऊपर हो गया है, फिर कोई और टॉपिक ले लिया, क्योंकि आजकल का डिमांड वही है कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आप वही पुराने चीज, हाउ केपेबल यू आर टू एक्सेप्ट द चैलेंज विच इज गिवन और पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये चीज जो है हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हम सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन, अगर मुझे जुगलबंदी करना है कथक के हालांकि जो है म्यूजिक फास्ट है, हम जुगलबंदी कथक के साथ करके हम उसी फास्ट म्यूजिक पे ही हमारा जो डांस है स्टेप्स ओडिसी का ही बिठाते हैं हम। वो चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे मोहिनीअट्टम हो, सत्रिया हो, कथकली हो, और जितने भी हमारे आठों क्लासिकल, मतलब ओडिसी को छोड़ के सात क्लासिकल और जो है, हम उसके साथ जुगलबंदी उन्हीं के डांस फॉर्म में हम करने की कोशिश करते हैं म्यूजिक पे जो फास्ट है। अच्छा, एक चीज और मेरी जानने की जिज्ञासा है, जैसे हम कथक देखते हैं तो, और ये सारे सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, जैसा मैंने शुरू में ही कहा इस सेगमेंट के, कि हम कोशिश करते हैं कि अगर इस पूरी बातचीत को कोई देखे तो वो आपके नजरिए से ये जान सके, अगली बार अगर वो कहीं जा रहा है और उसने ओडिसी डांस फॉर्म को देखा तो उसको बेहतर समझ में आए कि वो जो देख रहा है वो क्या देख रहा है। हम कथक में जो देखते हैं कि कथक में मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पढ़ंत कर रहा है, एक आदमी तबले पर है, एक आदमी ने सारंगी ले रखी है, कभी कभी सितार भी होता है, तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैंने देखा है लगभग कॉमन होते हैं, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कहीं सितार होगा तो सारंगी नहीं होगी, कहीं सारंगी होगी तो सितार नहीं होगा, लेकिन तबला होगा ही होगा, हारमोनियम होगा ही होगा, एक वोकल सपोर्ट होगा ही होगा। ऐसे ही ओडिसी में कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल मस्ट है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए? हमारे ओडिसी में तो पखावज जो कहते हैं मर्दल, वो मस्ट है। तबला हम यूज नहीं करते। तबला और पखावज के दोनों के बीच के डिफरेंसेस तो आप जानते ही होंगे। तो वो पखावज मर्दल जिसे कहते हैं वो मस्ट है, वोकल मस्ट है। वोकल हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो वोकल गाते हैं वो हारमोनियम पकड़ के ही गाते हैं, विदाउट हारमोनियम कभी नहीं होता हमारा, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं दोनों मिला के एक आर्टिस्ट करते हैं। उसके अलावा वायलिन मस्ट है, फ्लूट मस्ट है, सितार मस्ट है, मंजीरा कहते हैं जिसे, जो ताल पे आता है जिसे हम मंजीरा कहते हैं, वो भी मस्ट है। तो ये सारे हमारा जो है डांस ओडिसी में हम यूज करते हैं। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से, मतलब जो कॉस्ट्यूम आपने शुरू में कहा, मतलब उसको थोड़ा सा और अगर आप एलेबोरेट करें, जैसे कथक का कॉस्ट्यूम है या भरतनाट्यम का कॉस्ट्यूम है, वैसे ही जो आपका ओडिसी का कॉस्ट्यूम है वो कैसे बाकी डांस फॉर्म के कॉस्ट्यूम से अलग है, और जिसकी शुरुआत में आप बता भी रही थी कि हेडगेयर देखें, ज्वेलरीज देखें, तो वो कितना खास बनाती हैं इस डांस फॉर्म को? ये ओडिसी डांस फॉर्म जो है एक एक्सपेंसिव डांस फॉर्म माना जाता है, क्योंकि हम पहनते हैं जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ओडिसा का साड़ी होता है, ओडिशा साड़ी जो है वेरी एक्सपेंसिव, चाहे वो खंडवा, वैरायटीज ऑफ ओडिशा साड़ी से एक खंडवा, एक बमकई, एक संबलपुरी, एक ब्रह्मपुरी, नॉर्मली ब्रह्मपुरी कोई पहनता नहीं है कॉस्ट्यूम में, हम पहनते हैं बमकई मोस्टली, संबलपुरी तो फोक डांस में ज्यादा यूज होता है, तो खंडवा बमकई यूज होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप खरीदो इतना एक्सपेंसिव, फिर आप उसको कॉस्ट्यूम बनाओ। पहले जब मैं बचपन में सीखती थी तब कॉस्ट्यूम नहीं बनाते थे हम, उसी साड़ी को हम पहनते थे, जो आजकल किसी को आता नहीं, हमको ये आता है कैसे पहनना, क्योंकि वो अभी डिमांड में आ गया कि आपको कॉस्ट्यूम पहनना है,
तो हम उसको इतना जो महंगा है साड़ी आप खरीदो, फिर उसको काट दो 5 पीस में बनाओ, एंड आफ्टर फ्यू ड्राई वॉशेस आप उसको फेंक दो क्योंकि वो देखने के लायक नहीं होता। तो एक वो है रह गया है। दूसरा रह गया ज्वेलरी, ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं सिल्वर, ताराकोसी कहते हैं उड़ीसा में, वो तार से बनाया जाता है, बहुत बारीकी काम होता है, वो वेरी एक्सपेंसिव ज्वेलरी होता है, वो मस्ट यू हैव टू, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए, पहले तो मेटीरियल सिल्वर मेटल खरीदते बच्चों को जो हम बोलते हैं, जब बच्चा ये जान गया कि भाई मुझे तो उसी में रहना है, एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ योर पोजीशन और योर लुक, और जो भी है आपको सिल्वर और ताराकोसी ज्वेलरी खरीदना ही खरीदना है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते कितना महंगा है। कोई एट वन गो सारे जो है यहाँ से लेके सिर से लेके पाँव तक सारे सिल्वर कोई एक 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 ही बारी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे करके खरीद, कभी कान का खरीद लिया, कभी गले का खरीद लिया, कभी रिंग्स खरीद लिया, ऐसे करके धीरे धीरे करके वो। उसके अलावा जो हेड गियर हम जिसे कहते हैं सोलह से बनता है, काफी बारीकी काम होता है, हम उसको कभी जब ट्रैवल करते सूटकेस में लेके नहीं जा पाते क्योंकि वो दब जा गया तो वो टूट गया, उसको अलग सा लेना पड़ता है, हालांकि वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लकीली वो बहुत ही बारीकी काम है, आजकल तो वो भी एक्सपेंसिव हो गया, 500 से कम नहीं है, आई डोंट नो, 2 साल से तो मैंने खरीदी नहीं, 2 साल पहले जब था वो 550 का एक था, मेरे टाइम में 50 रुपए का था जब हम बचपन बच्चे थे, तो अभी वो 550 के ऊपर हो गया, अभी बहुत, अभी पता नहीं कितना हो गया। उसके अलावा घुंगरू, घुंगरू भी हमारा वो बड़े बड़े होना चाहिए जिसकी आवाज पक्की आनी चाहिए, तो घुंगरू आप कभी भी किसी को घुंघरू, हमें हमारे गुरुजी बचपन से यही बोला कि घुंघरू कभी किसी को देना नहीं है, क्योंकि अगर घुंघरू दो दो साइड में, दो घुंघरू में एक कहीं बदल गया दूसरा किसी का आ गया, तो इसका इसकी आवाज और उसकी आवाज वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर वो वेस्ट हो जाएगा, आप यू कैनॉट यूज। तो ये सारे जो है मिला के, इसके अलावा मेकअप, मेकअप जो हम फेस पे लगाते हैं उसका भी, जितना मेकअप आप खरीदो जितना आपको चाहिए, किसी को येलो चाहिए, किसी को रोज चाहिए, किसी को जो चाहिए, तो वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो मैं मेकअप लगाती हूँ मतलब हर ब्रांड का ही लगाती हूँ, वो भी आप पूछ इस सकते हैं। सेगमेंट का एक प्रश्न मेरा और है, और वो प्रश्न ये है कि जैसे कथक के अलग अलग घराने हैं, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, जयपुर घराना है, किसी घराने में भाव पक्ष पर बहुत ध्यान दिया जाता है, किसी घराने में थोड़ा सा अभिनय और तैयारी पर बहुत जोर जोर दिया जाता है, क्या इस तरह की चीजें ओडिसी डांस फॉर्म में भी हैं? हमारे 3 स्टाइल कहते हैं, वैसे हम घराना नहीं कहते, हमारे उड़ीसी में हम कहते हैं स्टाइल, जो गुरु परंपरा होता है कि गुरु, मैं आई बिलोंग टू गुरुदेव प्रसाद, तो मेरे, मैं हूँ 3rd जनरेशन, गुरु के बाद बड़े गुरु, मेरे गुरु आते हैं, मेरे गुरु जी के बाद मैं आती हूँ, तो मैं गुरु परंपरा की ओर से आती हूँ। हमारे वैसे घराना और स्टाइल दोनों का अलग मीनिंग होता है, घराना मीन्स आप 3rd जनरेशन के बाद आप घराना कह सकती हो, स्टाइल तो मैं क्योंकि मैं 3rd जनरेशन हूँ मैं स्टाइल ही बोलूंगी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो घराना कह सकते हैं, लेकिन हमारे में बिल्कुल ही घराना वो नहीं, आप गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा, गुरु गजेंद्र दास जी जो है ये तांडव दोनों मिलाते हैं, और इसमें शब्द स्वर पाठ है इन्होंने यूज किया, स्वर पाठ शब्द मीन्स बोलना स्वर शुरू में और पाठ, तो उन्होंने यूज किया जिसको वो एक तांडव फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये रहा उसमें, हर हर डांस में नहीं, सिर्फ उसमें आता है, मंगलाचरण एक आइटम है उसमें आता है, कभी स्थाई में है, स्थाई में भी यूज कर लिया, उसमें तांडव नहीं आता है, लेकिन जब मंगलाचरण में एक एक जगह जब आप शिव जी के बारे में कर रहे हो या उसमें आ जाता है, तो हमारा थोड़ा वो रहता है कि आप चौक ज्यादा बैठो, हमारे स्टाइल में चौक ज्यादा बैठो, तो जो डायमेंशन आना है चौक का वो भी आना चाहिए, और उतना ही बैठ के करना है थ्रू आउट योर परफॉर्मेंस, जो भी ड्यूरेशन चाहे वो 1 आवर हो 1.5 आवर्स हो, बस उतना ही करना होता है। इसके अलावा हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे अभिनय में एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप हर जो मीनिंग आता है उसी को लेके ही आपको मुद्राएं और एक्सप्रेशंस आपको वहां बिठाना होता है, और अब बीच बीच में संचारी भी आता है हमारा स्टाइल में, ज्यादा संचारी हम एक ही पार्ट को लेके संचारी करते हैं, संचारी मतलब यार डिपिक्टिंग अ स्टोरी,
जब गुरुजी अभिनय करते थे उसमें इतने फुटवर्क नहीं होते थे, क्योंकि वो यही सोचते अगर मैं डांस करता जाऊंगा तो हाउ आई एम डिपिक्टिंग अ स्टोरी, स्टोरी मीन्स यू आर इनएक्टिंग अ स्टोरी, तो उसमें तो आप डांस करते करते यू कैन नॉट इनएक्ट, यू जस्ट हैव टू वॉक एंड यू हैव टू शो कि ये पत्ता है, ये फूल है, ये पेड़ है, ये कृष्ण है, ये प्रेम है, ये श्रृंगार है, ये सारे, तो ये हमारा थोड़ा अलग फॉर्म हो जाता है कि हमारा ये सारे जो भी मैंने बताया क्राइटेरिया और डिविजन्स ये हमारे स्टाइल में। एक बार फिर वक्त है एक ब्रेक का, कल रात हमसे फिर जुड़िएगा इस इंटरव्यू के तीसरे हिस्से में। आखिरी हिस्से में हम वाणी जी से बात करेंगे कि ओडिसी नृत्य की जो मौजूदा स्थिति है वो कैसी है।